ऑलराइट, तो आज हम बात करेंगे कि रेप केस के जो विक्टिम होते हैं, लड़कियां विक्टिम होती हैं, उनके पास कितना टाइम पीरियड होता है रेप केस फाइल कराने के लिए। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा लड़कियां डर जाती हैं कुछ कारणवश, सोशल सोसाइटी के चक्कर में वो करवा नहीं पाती, होता है ना, जैसे अगली पार्टी थोड़ी पावरफुल है, कुछ रीज़न होता है। तो देखो यार, जो रेप है ना वो हीनियस क्राइम है, यानी कि बहुत सीरियस क्राइम है, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, यानी कि आप कभी भी करा सकते हो। बट आपको क्या है, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जब आप FIR लिखाते हो ना तो उसमें एक लिखा होता है, क्लॉज होता है कि रीज़न, डिले करने का रीज़न क्या है, बस वो आपका सफिशिएंट होना चाहिए। सफिशिएंट जैसे कि मैं डिप्रेशन में थी, मेरे पेरेंट्स डर गए थे, हमें अगली पार्टी ने धमकाया हुआ था, कुछ भी, मतलब सफिशिएंट होना चाहिए। बट ये कि ना आपको प्रूफ करना पड़ेगा, यानी कि ना सबूत आपके फेवर में होने चाहिए, तभी आप आगे ट्रायल में जाके कुछ जीत पाओगे। अदरवाइज आपको ना कोर्ट भी सोचेगा यार ये तो हरासमेंट करने वाली बात है ना। बट कभी कभी क्या होता है, कंडीशन ऐसी हो जाती है लोगों के साथ रूरल एरियाज़ में, वो करते नहीं है, फिर बाद में उन्हें कोई मोटिवेट करता है कि हाँ भाई हम अपना जस्टिस लो और अपना हक के लिए लड़ो, फिर बाद में उन्हें हो जाता है। तो ये वीडियो उनके लिए, तो आप कर सकते हो। बट ये कि आपके पास एक तो रीज़न होना चाहिए सफिशिएंट, डिले क्यों करा, क्योंकि जब आप FIR लिखाओगे तो उसमें लिखना पड़ेगा रीज़न, आप देख सकते हो इधर उधर आ रहा होगा तो उसमें क्लोज होता है। और नेक्स्ट थिंग, आपके पास पर्याप्त सबूत होने चाहिए, भी आपके साथ मतलब होता ना कि रेप हुआ है तो पक्का सबूत होना चाहिए, क्योंकि ना कोर्ट उनको हेल्प करता है जो क्लीन हैंड के साथ आते हैं। क्लीन हैंड मतलब जिनका खुद का करेक्टर अच्छा होता है, या जो खुद जो विक्टिम है उनको, उनके लिए। ये नहीं कि आप झूठे केस के लिए और जा रहे हो फिर किसी को फंसाने के लिए, तो वो सब ना करें। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर।